अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाज़िर हैं। लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर पढ़ रहे थे और दो लेक्चर आप लोगों ने ले लिए होंगे इस चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन का, और फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी थी वो डिस्कस करी थी, और मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन थी वो करी थी। ऐसे क्वेश्चंस थे जो मीडियन और मोड मालूम करने के थे, बुक में वो मार्क भी करवाए थे, बताया भी था, वो होमवर्क क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करने थे आप लोगों को। उसके बाद अब एवरेजेस में हम लोगों के पास हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ये बात तो आपको पहले से पता है कि हम लोग अनग्रुप डेटा डिस्कस कर रहे हैं, और अनग्रुप डेटा के लिए हम लोगों ने मीन मालूम किया था, मोड मालूम किया था और मीडियन मालूम किया था। अब अनग्रुप डेटा के लिए ही हम लोग हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे। आसान सा है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों की परेशानी, आप लोगों को परेशानी ना हो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का होगा, जिसमें हम लोगों को ये वैल्यूज़ मालूम करनी होंगी। बुक में से एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का कंसीडर कर लें या ज्योमेट्रिक मीन का कंसीडर कर लें, उसी क्वेश्चन के लिए दोनों चीज़ें मालूम कर लेंगे। चलें, एक क्वेश्चन है 2.46, बुक्स आप लोगों ने ओपन कर ली होंगी, पेज नंबर 78 पे सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 2.46। इस 2.46 में उन्होंने बोला है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो, एंड ऑल्सो शो दैट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देट देन ज्योमेट्रिक मीन, सो ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देने किससे, हार्मोनिक मीन से। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, अर्थमेटिक मीन की होगी, फिर ज्योमेट्रिक मीन की होगी उससे छोटी, और फिर उससे छोटी वैल्यू हमारे पास हार्मोनिक मीन की होगी। तो आप लोगों के सामने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन, एक दो ऑब्जर्वेशन है, तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन हम लोग किस तरह मालूम करते हैं, तो उन दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, और दो ऑब्जर्वेशन थी तो उस पर उनकी प्रोडक्ट पे 1/2 पावर मालूम कर लेंगे। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको इस तरह लिख के दिखा सकता हूँ कि x1 मल्टीप्लाई बाई x2 और इनकी प्रोडक्ट पे पावर आ गई 1/2। अगर आप लोगों के पास तीन वेरिएबल थे, तो यही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा और x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3 तीन वेरिएबल हो गए, तीनों वेरिएबल की प्रोडक्ट ली और पावर ली 1/3। अगर चार वेरिएबल होंगे तो चारों वेरिएबल की प्रोडक्ट लेंगे और फिर पावर लेंगे 1/4। तो जैसे ऐसे वेरिएबल बढ़ते रहेंगे, पावर का डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा, सही है। तो 1/2 की बात क्या थी, यानी कि अंडर रूट ले लें आप लोग, 1/3 यानी कि थर्ड अंडर रूट ले लें, थर्ड अंडर रूट के मतलब क्या है कि 1/3, फोर्थ अंडर रूट ले लें 1/4। तो अगर थर्ड होंगे, थ्री वेरिएबल्स होंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वैल्यू ज़्यादा होती हैं तो हम लोग लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करते हैं डेटा को हैंडल करने के लिए, सही है। बुक में आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक है, उस टॉपिक को आप लोग रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होंगी तो हम लोग लॉग और एंटी लॉग, लॉग लिया है हम लोगों ने ताकि हम लोग बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकें, डेटा को हैंडल कर सकें, और लॉग लिया है और उसको कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग लिया हम लोगों ने फॉर्मूले में, ताकि लॉग जो है हम लोग वैल्यूज़ कर लें वो आखिर में एंटी लॉग लेके ख़त्म हो जाए। ये वाले फॉर्मूला तो आसान है, ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग नॉर्मली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे ताकि आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग लेना आ जाए और कैलकुलेशन आ जाए। हार्मोनिक मीन में 1/x मालूम करना होता है, डिनोमिनेटर में उसका समीशन लेते हैं, तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे ये पता चल जाएगा आप लोगों को। 2.46 क्वेश्चन है, इस 2.46 में आप लोगों के पास सबसे पहले तो आप लोग एज वी नो दैट करके
जो जो चीज़ें मालूम करनी थी उनके फॉर्मूले शो करवा देंगे। मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूला शो करवा दिया अर्थमेटिक मीन का, सही है, इस तरीके से जिस तरह उन्होंने बोला अर्थमेटिक मीन एक्स बार से शो होगा और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख दिया समीशन एक्स अपॉन एम, इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन का और इसी तरीके से हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला शो करवा दिया। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला वो लिखा हुआ ऊपर और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ। अब बात करें कैलकुलेशन की, तो हम लोगों ने बोला सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, जो एक्स हमें दिया हुआ है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है। ऑब्जर्वेशन क्या दी हुई है हम लोग को, 1, 3, 9 और 27, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अगर हम लोगों को अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो अर्थमेटिक मीन किस तरीके से मालूम हो सकता है, इधर काम कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन का। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, इसी तरीके से आप लोगों के पास इन फॉर्मूलों के नाम दे देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, लिखा नहीं है आप लोग लिख लेंगे ऊपर से देख के, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें कि इक्वेशन नंबर 1 की, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों को अगर एक्स बार मालूम करना है तो समीशन एक्स चाहिए। समीशन एक्स का मतलब क्या है, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए। अगर मैं तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करता हूँ, ऑब्जर्वेशन एक्स से शो होती है हमारे पास, तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करता हूँ तो 27 + 3 = 30 हो गए और 9 = 39 और 1 = 40, हमारे पास सम निकल के आ गया 40। और इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक, सिंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये तरीक़ेकार है कि जब भी वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन का रेफरेंस देंगे, फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे। समीशन एक्स, समीशन एक्स किसके बराबर है, समीशन एक्स बराबर है हमारे पास 40 के। एक्स बार इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन, कितनी थी हम लोगों के पास, ऑब्जर्वेशन 4 थी, 1, 2, 3, 4, तो हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर दिया और एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 10। 40 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 10 आएगा। कैलकुलेटर्स आप लोगों के सामने होंगे, साथ साथ कैलकुलेशन करती रहिएगा। अब अर्थमेटिक मीन की तो वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, अब जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो वैल्यू किसकी होगी, वो वैल्यू हम लोगों के पास ज्योमेट्रिक मीन की तरफ जाएंगे। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन में हम लोगों को एंटीलॉग और लॉग नज़र आ रहे हैं। पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम लोग कॉलम कौन सा बनाएं। तो याद रखें कि कोई भी फॉर्मूला आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है तो अगर उसमें समीशन का फॉर्मूला, समीशन नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो समीशन के साथ जो चीज़ है उसका कॉलम बन जाएगा। जिस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन में या जिस तरीके से आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन मालूम किया, तो समीशन एक्स था तो एक्स का कॉलम बना दिया, सम किया तो समीशन एक्स आ गया, सही। ज्योमेट्रिक मीन में एंटीलॉग ब्रैकेट के अंदर समीशन किसके साथ है, लॉग एक्स के साथ है, तो आप लोग लॉग एक्स के साथ एक कॉलम बना लेंगे, सही, लॉग एक्स का एक कॉलम बन जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी ऑब्जर्वेशन वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, सही। जब सम करेंगे तो समीशन लॉग एक्स आ जाएगा, समीशन लॉग एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है जो आप लोग को बतानी है, वो बतानी है कि सिंपल है, कैलकुलेटर आप लोग के पास होगा, कैलकुलेटर में लॉग लिखेंगे, लॉग का बटन आप लोग को सामने नज़र आ जाएगा, सही है, सेकेंड रॉ में होता है अमूमन, सही है। अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो थर्ड रॉ में होगा, थर्ड रॉ में सेकंड लास्ट बटन है आप लोगों के पास, लेफ्ट टू राइट। लॉग लेना है एक्स का यानी कि लॉग लेना है वन का, मैंने लॉग लिया वन का, मेरे पास क्या निकल के आ गया, जीरो। वन का लॉग क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। इसी तरह मैंने लॉग लिया किसका, थ्री का, तो मेरे पास निकल के आया 0.47। आगे और भी वैल्यूज हैं, 7, 1, 2, 1, 2, 5, 4, वो वैल्यूज मैंने नहीं लिखी, सही है। पॉइंट के बाद दो ऑब्जर्वेशन ले लूँ मैं। लॉग 9 लिया तो लॉग 9 आ गया 0.95 42 42 509, आगे की वैल्यूज छोड़ दी। लॉग लिया 27 का तो आया 1.43। अब मैंने इधर लॉग मेंशन तो करवा दिया, हर किसी में फर्स्ट को छोड़ के हर किसी में
जो दो नंबर के बाद वैल्यूज थी वो मैंने स्केप कर दी थी, छोड़ दी थी। तो जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास एक्यूरेट सम तो नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी नंबर में मैंने कुछ वैल्यूज छोड़ दी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक्यूरेट सम आए, ऐसा जब एक्यूरेट सम आएगा तो आंसर भी एक्यूरेट आएगा, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगी, ये नहीं होगा कि पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है। हम लोगों के पास जब भी ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए आए तो हम लोग लॉग एक्स कर रहे हों मालूम, तो लॉग एक्स आप लोग इजीली मालूम करके यहाँ पे लिख दें पॉइंट के बाद दो नंबर। मगर अपनी कैलकुलेशन में कंप्लीट लॉग की वैल्यूज लेने कैसे लेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे लॉग, किसका लॉग मालूम करना है तो लॉग वन, सही है, लॉग वन का आप लोग लॉग मालूम करेंगे, प्लस लिखें लॉग वन प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग नाइन प्लस लॉग 27, यानी कि ये वाली वैल्यूज लिखी, लॉग वन प्लस लॉग थ्री प्लस लॉग नाइन और प्लस लॉग 27, सही है। तो डायरेक्टली जब प्रेस करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा, और सम कितना आया निकाल के आप लोग देख सकते हैं 2.86, आगे और भी वैल्यूज हैं 2.86, 27, 27, 5, 28, तो बस अब मैंने पॉइंट के बाद दो वैल्यूज ले ली, 2.86 ले लिया, 86 के बाद 2 था तो 86 ही रहने दिया, अगर 7 वगैरह होता तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता, 87 कर देता। खैर अभी हम लोगों के पास ये वैल्यू आ गई, अगर इसको मैं सम करता तो शायद हमारा पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता, ये लॉग एक्स की वैल्यू आ गई। मैंने इक्वेशन नंबर 2 का रेफरेंस दिया, इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों को पता है जिसमें आप लोग ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर रहे थे, और समीशन लॉग एक्स आपके पास क्या निकल के आया, 2.86 निकल के आया, एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स 2.86, फॉर्मूले को देखते हुए वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड बाय एन, एन क्या था हमारे पास 4, जो वैल्यू आई थी कैलकुलेटर में मौजूद है पूरी वैल्यू, उसी को डिवाइड बाय 4 कर दें। जब डिवाइड बाय 4 किया तो आप लोगों के पास वैल्यू निकल के आए 0.71, इधर मैंने 0.71 लिखा, इधर कैलकुलेटर में मेरे पास पूरी वैल्यू है 0.715681882। अब मैं इसका एंटी लॉग ले लूंगा, एंटी लॉग कैसे लूंगा, शिफ्ट दबा के आप लोग लॉग को प्रेस कर दीजिएगा, 10 लिखा हुआ आ जाएगा आप लोग के पास स्मॉल में, एंटी लॉग का 10 होता है वो, और इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो इसका एंटी लॉग निकल के आ जाएगा जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कहलाएगी, और वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 5.196, ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई। अच्छा, कुछ कैलकुलेटर्स में ऐसा होता है कि जब आप लोग शिफ्ट दबाने के बाद लॉग प्रेस करते हैं तो आपके पास 10 की पावर बनी हुई आ जाती है, मतलब 10 लिखा हुआ होता है ऐसे और ऊपर पावर बनी हुई आ जाती है कि इस पावर की जगह पे कुछ लिखें, तो उस पावर की जगह पे जो भी आपका आंसर होगा लास्ट टाइम का, जो भी आंसर होगा आंसर प्रेस कर दीजिएगा और फिर इज इक्वल्स टू प्रेस कर दीजिएगा, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, सही है। तो एंटी लॉग इस तरीके से मालूम करने वाला, नॉर्मल कैलकुलेटर जो ये ऐसे कैलकुलेटर्स हैं FX 8 to MS मॉडल नंबर है इनका, इसमें क्या होता है आपके पास एंटी लॉग आ गया तो आप लोगों ने शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस किया तो डायरेक्टली एंटी लॉग निकल के आ गया, इतना सही है, इसमें डायरेक्ट भी होता है। दोनों तरीके से आपको बताया, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई, जो जो मेन वैल्यूज थी उन वैल्यूज को मैंने ब्लॉक कर दिया स्केल और मार्कर की मदद से, आप लोग ब्लॉक कर देंगे। अब किसकी बात होती है, हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन में हम लोग देख रहे हैं कि हमें समीशन के साथ क्या लिखा हुआ है, समीशन के साथ हमारे पास मौजूद है 1/x, 1/x हमें मालूम करना है, तो 1/x का हम लोगों ने कॉलम बना दिया, सही। इसी तरीके से 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 को डिवाइड बाय 3 करेंगे 0.33 आएगा, 1 को डिवाइड बाय 9 करेंगे 0.11 आएगा, 1 को डिवाइड बाय 27 करेंगे 0.03 आएगा, सही है 0.037। अब वही बात कि हर नंबर में मैंने वैल्यूज छोड़ी हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आए, तो मैं पूरा पूरा लिखूं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ब्रैकेट लगाऊं, फिर उसमें लिखूं 1 डिवाइड बाय 3, फिर उसमें ब्रैकेट लगाऊं
ब्रैकेट लगाया, 1/3 लिखा, फिर प्लस, फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर 1/9 लिखा, यानी कि इस तरीके से मैं आप लोग को दिख रहा हूँ, 1/1 प्लस, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर 1/3 प्लस, फिर ब्रैकेट लगाया, 1/9 प्लस, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर 1/27, इस तरीके से कैलकुलेटर में लिख देंगे हर किसी को। क्यों लिख देंगे? ताकि ओवरऑल जो भी वैल्यूज हो हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएं सामने, एक्यूरेट वैल्यूज आ जाएं। 1/27 सही, छोटे सा डाटा लिया है चार नंबर का, इस वजह से ताकि बस आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आ जाए, वरना ऑब्जर्वेशन ज़्यादा भी होती हैं, 8-8 ऑब्जर्वेशन, 10-10 ऑब्जर्वेशन भी होती हैं। सही, जब आप लोगों ने पूरा करने के बाद प्लस किया तो हमारे पास समीशन 1/x का समीशन क्या निकल गया, 1.48 ये वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर्स में, आप लोग देख रहे होंगे। जब वैल्यू निकल के आ गए तो इक्वेशन नंबर 3 का आप लोगों ने रेफरेंस दिया, और इक्वेशन नंबर 3 में आप लोगों के पास HM का फॉर्मूला शो करवाया हुआ था, आप लोगों ने हार्मोनिक मीन लिखा, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 डिवाइड बाय समीशन 1/x, यानी कि ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल का सम कितना निकल के आया, 1.48 निकल के आया। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यूज मौजूद है आपके पास, 4 को डिवाइड कर देंगे जो भी आप लोगों के पास आंसर आ चुका होगा, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू निकल के आ गई जो कि हमारे पास निकल के आई 2.7। अब अगर हम लोग बात करें ये तीसरी वैल्यू थी, तो इस वैल्यू को हम लोगों ने इधर ब्लॉक कर दिया मार्कर स्केल की मदद से, सीधा ब्लॉक कीजिएगा, इधर तो मेरे पास तो स्केल नहीं है, मगर आप लोग तो रजिस्टर में काम कर रहे हैं तो स्केल और मार्कर की मदद से ब्लॉक कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ये वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, हार्मोनिक मीन से। तो हम लोग तीनों की वैल्यूज लिख के देख लें, और तीनों की वैल्यूज पहले अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 10 आ रही थी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 5.196 आ रही थी, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू 2.7 आ रही थी। तो ये हम लोग के पास वैल्यूज आ गई, और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी रिलेशन था वो रिलेशन हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, और इससे हम लोगों को पता चल गया कि जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें अर्थमेटिक मीन की वैल्यू सबसे हाई होगी, उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी, और उसके बाद हम लोग के पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू होगी। यहाँ पर हम लोगों के पास अनग्रुप डेटा की तमाम चीज़ें, तमाम चीज़ें से मुराद ये कि एवरेजेस, तमाम एवरेजेस निमट गए, मतलब अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मोड। तो बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जिसमें अनग्रुप डेटा है उन तमाम क्वेश्चंस में, उन तमाम क्वेश्चंस को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि मैं सीख चुका हूं, और बुक में पहले भी मार्क करवा चुका हूं। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अभी डिस्कस किया है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। बुक में एक्सरसाइज पे आ जाइए आप लोग, और एक्सरसाइज में 2.36, इससे पहले वाले लेक्चर में 2.35 होमवर्क दिया था। आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क मैं इधर लिखता भी रहता हूं और पता भी चल जाएगा आप लोगों को, सही है, इधर लिख रहा हूं 2.36, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। 2.37, इसमें भी आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, सही है। 2.38 ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मालूम करनी है। अब क्या रिलेशन दिया उन्होंने, बोला कि भाई ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन होगा अर्थमेटिक मीन से, एक ही बात है, इस ये रिलेशन का हाफ दे दिया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, लेस देन होगा किससे, अर्थमेटिक मीन से, तो दोनों वैल्यूज निकालेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू छोटी आती है अर्थमेटिक मीन से, पता है आप लोगों को, यानी कि हाफ रिलेशन प्रूफ करना है। 2.39 में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन दोनों मालूम करने, इसी तरीके से 2.40 में हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन दोनों मालूम करने। नेक्स्ट
2.41, क्या मालूम करना है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन दोनों मालूम करने हैं, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46 तो अभी हम लोगों ने किया है, 2.47, सही। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोग के पास हैं। और क्वेश्चंस मैं अगर आगे चलूँ तो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोगों के पास कभी कभी हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का बोल देते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं। मैं बताया चलूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ऐसा जिसमें आप लोगों को हार्मोनिक मीन वगैरह मालूम करना है। देखिए 2.69 देखें, 2.69 में, अब ये क्वेश्चन है 2.69, इस क्वेश्चन में पहले बोला है कि मीडियन मालूम करें, फिर फर्स्ट पार्ट में बोला है कि ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें, फिर थर्ड पार्ट में बोला है, सेकंड पार्ट में बोला ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें, थर्ड पार्ट में बोला है हार्मोनिक मीन मालूम करें, सही, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, सही। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो मिक्स होते हैं जिसमें आप तमाम चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, जिस तरह एक और क्वेश्चन देखिए 2.82 का पार्ट बी देखिए, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने है, क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चंस कहाँ के दिए हुए, इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए कि ये KU BCOM के पेपर में 1987 में आए थे, सही है, तो पास पेपर में आ चुका है, प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व कर सकते हैं, सही है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 2.83, उसका पार्ट ए में आप लोगों के पास डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, हार्मोनिक मीन मालूम करना है, मोड मालूम करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब जब क्लास फिजिकली होती थी और हम लोग होमवर्क लिख रहे होते थे तो आप लोग शोर मचा देते थे कि सर इतना होमवर्क, सर बस कर दें, बस कर दें। अभी तो आप लोग कुछ नहीं कह सकते, फंसे हुए आप लोग हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए होमवर्क से रिलेटेड ज़्यादा ज़रूर है होमवर्क, हर लेक्चर में बिजनेस स्टेट्स पढ़ी आप लोगों ने, बिजनेस स्टेट्स पढ़ लें, बिजनेस मैथ्स पढ़ी आप लोगों ने, मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट है, नंबर्स की डीलिंग है, नंबर्स की कैलकुलेशन है, अकाउंट्स हो गया, स्टेट्स हो गया, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम मांगते हैं और टाइम ऐसा मांगते हैं जिसमें आपका दिमाग हाजिर हो, सही है। कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं, बीकॉम के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें आप लोगों ने रट्टा लगाया और रट्टा लगा के दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, या दो पेज, तीन पेज, चार पेज, या एक टॉपिक आप लोगों ने याद कर लिया और याद करने के बाद आप लोगों ने वो एज इट इज़ ला के लिख दिया। बीकॉम में आ गए, गहरी बात है, अपने आप को मैच्योर कर लें, हो गए होंगे मैच्योर, तो चीज़ें भी उसी तरीके से हो गई हैं। अब चीज़ें उस तरीके से कैसे हो गई हैं कि होमवर्क लिखा हुआ है, आप लोग समझते हैं ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, अब ज्योमेट्रिक मीन के सर ने भाई 5-6 क्वेश्चन दे दिए, हार्मोनिक मीन के भी 6 क्वेश्चन दे दिए, आप लोग समझते हैं मैंने 3 क्वेश्चन किए, हाफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मौजूद हों उसके हाफ क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन थे तो 6 का हाफ 3 हो गया, सही। तो आप लोग समझते हैं कि भाई 3 क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं ना, यानी कि अगर 6 क्वेश्चन गिवन है तो 3 क्वेश्चन तो मुझे करने करने, और अगर 3 क्वेश्चन समझ के मैं 3 क्वेश्चन करके ये मैं समझूं कि हाँ भाई मुझे अब हार्मोनिक मीन की हर प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी उन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो सही है, 3 प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व कर ली, इनफ है, आगे सॉल्व मत करें, सही है। अगर आप लोग समझते कि नहीं, ऐसे वैसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप लोग समझते कि नहीं भाई 3 प्रॉब्लम्स करिए मुझे ज़रूरत है, मेरे ख्याल से कि नहीं अभी मुझे एक और प्रॉब्लम करनी चाहिए, आप 4 कर लें। आप समझते नहीं भाई मैं सारी प्रॉब्लम करूँगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि भाई स्टेट्स है, नंबर्स पे बेस करते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर्स की कैलकुलेशन करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा कैलकुलेटर पर हाथ सेट होगा, उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ करेक्ट आएंगी। आप लोग प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ समझ लें, सिर्फ समझने के सर ने व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर दिया, सिर्फ वाला क्वेश्चन कॉपी कर लें, जब भी इधर टेस्ट होगा, कोचिंग में टेस्ट होगा, कहीं पे पेपर दे रहे होंगे, प्रैक्टिस होगी नहीं, कैलकुलेटर पर हाथ सेट होगा नहीं, होता क्या है मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि जिसका कैलकुलेटर पर हाथ सेट नहीं होगा उस वक्त तो कैलकुलेशन कर रहे होंगे, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को 5 किया 3 दब गया, क्योंकि कैलकुलेटर पर हाथ सेट नहीं है, तेज कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आ कुछ रहे, बुकला के लिख कुछ रहे, ऐड कुछ करना है, सब्ट्रैक्ट कुछ कर रहे हैं, सही है। तो ये तमाम चीज़ें असर डालती हैं। प्रैक्टिस से क्या होता है कि इंसान
इम्यून हुआ वो तो उन तमाम चीज़ों से प्रैक्टिस में होता है, इंसान को पता होता है कि हाँ भाई जो वो काम कर रहा है वो सही कर रहा है। सही, गलती जान के तो बंदा करता है नहीं, अगर गलती का पता चल जाए तो बंदा उसको करेक्ट कर ले। अब जब गलती का पता कैसे नहीं चलता, जब प्रैक्टिस नहीं करी होती गलती का पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करी होगी, आप लोग काम कर रहे होंगे, काम सही हो रहा होगा। आप लोग समझते तीन क्वेश्चन करके मेरी प्रैक्टिस हो गई, सही है तीन क्वेश्चन करें, मगर तीन से कम मत करें। अगर छः क्वेश्चन हार्मोनिक मीन के हैं, इसमें देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन हैं, छः क्वेश्चन हार्मोनिक मीन के, तो छः में से तीन कर लें। छः के छः करना चाहते हैं, अच्छी बात है कि छः के छः कर लें, सही। तो वैसे तो स्टूडेंट्स पूरी पूरी बुक सॉल्व करते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करते हैं। आप लोगों का दौर ऐसा है कि आप लोग अभी इस होमवर्क पे बोल रहे हैं कि सर ज़्यादा होमवर्क है, सही है। हाँ, आप लोग समझ सकते हैं, बीकॉम में आ गए, पहले एक दौर था कि बच्चे जो है ना ये बुक पूरी शाह जमाल की सॉल्व करते थे, उसके बाद फिर उर्दू बाजार जाते थे और पास पेपर्स लेके आते थे, उन पास पेपर्स को सॉल्व करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो मैथ्स में तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो वो कम है, सही, उतना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ते चले जाती है। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग तीन क्वेश्चन पे सेटिस्फाई हो गए और आप लोगों को आ गया टॉपिक, तो सही है तीन क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से रिलेटेड आप लोग को एक बात बतानी थी कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कभी भी जीरो और नेगेटिव वैल्यूज का कैलकुलेट नहीं होता। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में इस तरीके से भी दिया हुआ है कि कहीं आपको जीरो वैल्यू दिए हुए और बोला है कि भाई हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, सही है। आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे आप लोग के पास ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक था, मैं आप लोग को बताता हूँ पेज नंबर 42 पे, तो वहां पे आप लोग के पास फॉर्मूले के बाद एक नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ एनी वैल्यू इज जीरो और नेगेटिव। अगर कोई नेगेटिव ऑब्जर्वेशन होगी, क्योंकि नेगेटिव ऑब्जर्वेशन का लॉग नहीं निकलता जो आप लोग के पास फॉर्मूले में, सही है। और अगर वैल्यू जीरो होगी तो आप लोग के पास जीरो का भी लॉग निकाल के देखेंगे आप लोग, तो जीरो का लॉग भी में क्या आ रहा है, मैथ एरर आ रहा है, सही है। तो नेगेटिव वैल्यू और जीरो का आप लोग के पास लॉग नहीं निकलता, तो जब लॉग तो फॉर्मूले में मौजूद है, सही, तो फिर कैसे करेंगे? तो जब भी हम लोग के पास ज्योमेट्रिक मीन जीरो और नेगेटिव ऑब्जर्वेशन हो तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल होता है। इसी तरीके से हार्मोनिक मीन की बात करें, अगली पेज पे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 44 पे, तो उस पर क्या है, हार्मोनिक मीन इज नॉट कंप्यूटेड इफ एनी वैल्यू इज जीरो नेगेटिव। हार्मोनिक मीन भी क्या नहीं होता, मालूम नहीं कर सकते अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होगी या वो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/x है। 1/x का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन 1 से डिवाइड हो रही हो। जब किसी नंबर से 0 डिवाइड होता है, 1 डिवाइड बाय 0 होगा तो आंसर इन्फिनिटी अनडिफाइंड टर्म आ जाती है, तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सही है। तो जब भी नेगेटिव वैल्यूज का और जीरो वैल्यू का हार्मोनिक मीन भी नहीं निकलता। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कर लिया है, अब हम लोग बुक के हिसाब से आगे चलेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये होमवर्क आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, लिख रहने देता हूं मैं। अब हम लोगों के पास अनग्रुप डेटा कंप्लीट हो गया। याद है आप लोगों को मैंने बोला था कि अब जो है वो ये वाला सेकंड चैप्टर मेजर ऑफ सेंट टेंडेंसी स्टार्ट हो रहा है, तो अपने रजिस्टर्स के पीछे बैक साइड पे एक पेज बना लीजिए तकरीबन 8-10 पेज छोड़ के, और उस पेज पे आप लोग तीन कॉलम बना लें, एक अनग्रुप डेटा का, एक ग्रुप डेटा का और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा का। तो आप लोगों ने अनग्रुप डेटा के कॉलम में 5 के 5 फॉर्मूले लिख लेने। आप लोगों को पता है अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मीडियन के 2 फॉर्मूले, हार्मोनिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का। अभी हम लोग के पास पूरे का पूरा ग्रुप डेटा बाकी है अभी, यानी कि ग्रुप डेटा के लिए 5 चीज़ें मालूम करना और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए 5 चीज़ें मालूम करना बाकी हैं, सही है। इस लेक्चर के साथ एक टॉपिक हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो इसी लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पेज नंबर 59 पे आइएगा, पेज नंबर 59 पे आप लोग के पास एम्पिरिकल रिलेशन लिखा हुआ है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड।
मीन मीडियन मोड का एम्पेरिकल रिलेशन किस तरीके का होता है, अगर फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो किस तरीके से होती है, ग्राफ आप लोगों को बना के दिखाया हुआ उन्होंने, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और बिल्कुल बैलेंस ग्राफ बनता है इस तरीके से, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो बराबर होता है मीडियन के और बराबर होता है मोड के। अब आप लोगों ने मीन मीडियन मोड पढ़ लिया, अब आप लोग हर जगह इनका इस्तेमाल देखेंगे, सही है, देख सकते हैं आप लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज लिखी हुई है। सेकेंड आप लोग के पास है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, सही है, डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बताता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने कर्व में, सही है, तो याद होगा आप लोगों को कर्व में मैंने इसकी एग्जाम्पल भी दी थी। सेकेंड आप लोगों के पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली टेल थोड़ी बड़ी होती है, कुछ ज्यादा बड़ी हो गई अभी ये ना हम लोगों के पास। इसमें क्या होता है, इसमें ये ऊपर वाले ग्राफ की बात करूं तो इसमें जो सेंटर वैल्यू होती है ना वो कॉन्स्टेंट के बराबर होती है, तो ये तीनों सेंटर में लाए करते हैं। इधर जो होता है, इधर हम लोगों के पास ये वाली वैल्यू, हमारे पास तीन लाइन्स होती हैं, आप लोग देख रहे हैं पहली वाली लाइन सबसे बड़ी है जो रिप्रेजेंट करेगी मीन को, दूसरी वाली वैल्यू लाइन छोटी है जो रिप्रेजेंट करेगी मीडियन को, तीसरी वाली वैल्यू उससे छोटी है लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी किसको, मोड को। तो जो रिलेशन होता है पॉजिटिवली स्क्यूड में वो क्या होता है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, यानी कि मोड की वैल्यू सबसे लीस्ट होती है, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू मीडियन, उसके बाद उसकी बड़ी वैल्यू मीन की होती है। ये हमारे पास रिलेशन होता है किसका, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का। और फिर इसके बाद आप लोग के पास थर्ड लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, ये तकरीबन हर ग्राफ में आप लोग के पास एरो तमाम चीजें देख लीजिएगा बुक में लिखी हुई है। नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ इस तरीके से बनता है कि इसलिए पहले टेल आती है और फिर आप लोगों के पास ग्राफ एक्स एक्सिस को टच होता है, सही है, ये रहा आप लोगों के पास, ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू और फिर ये वाली वैल्यू, तो जो सबसे पहली लाइन होती है वो मीन को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करती है मीडियन को, तीसरी लाइन रिप्रेजेंट करती है मोड को। तो मीन की वैल्यू क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई, क्योंकि मीन की लाइन सबसे छोटी नजर आ रही है। इसके बाद फिर मीडियन की वैल्यू और फिर हम लोगों के पास मोड की वैल्यू, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर कोई बोले कि डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन से है तो ये चीज पता चल गई हमें, अंडरस्टूड है बात, के मीन की वैल्यू सबसे छोटी होगी, उसके बाद मीडियन की वैल्यू होगी, उसके बाद मोड की वैल्यू होगी, वैल्यूज क्या होगी ये कैलकुलेट करके देखना होगा, सही है। अच्छा, अब एक और चीज होती है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 60 पे पहुंच गए, पेज नंबर 60 पे यही रिलेशन लिखा हुआ है, मगर पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 59 पे आप लोग के पास जो डायग्राम बनी हुई ये वाली सेकंड वाली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, इस डायग्राम में पहले आएगा मीन, इधर लिखा हुआ है थोड़ा रॉन्ग प्रिंटिंग हुई हुई है, मोड लिखा हुआ है, इधर मीन लिखा हुआ है, तो छोटी वाली लाइन को मीन कर लीजिएगा, फिर मीडियन है और फिर मोड है, सही है ना। अच्छा जी, ये करेक्शन थी, ये मैंने करवा दी। इंपेरिकल रिलेशन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का देखें क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड का क्या एम्पेरिकल रिलेशन है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के पास वर्डिंग में, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, और फिर उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव करवा के दिखा दिया किसके लिए, मोड के लिए, तो फॉर्मूला तो किसी के लिए भी ड्राइव हो जाएगा, वो मसला नहीं है, ये आप लोगों के पास है। तो आप लोगों ने देखा कि भाई ये हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशन था, जब कभी ये मैंने इस वजह से बता दिया कि कभी मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आप लोगों को कितनी वैल्यूज दे दें, वो आप लोगों को दो वैल्यूज दे दें, मीन और मोड की वैल्यू दे दी और बोला मीडियन की वैल्यू निकालो, उसमें से निकालेंगे, दो नोन दे दिए एक अननोन दे दिया, तीन वेरिएबल है, तीनों में से एक की वैल्यू इजीली मालूम हो जाएगी, कैसे मालूम होगी, एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है जिसमें उन्होंने मोड और मीन की वैल्यू दे दी है और मीडियम की वैल्यू निकालनी है, सही है। अच्छा जी, एक्सरसाइज में भी इसके एक दो क्वेश्चंस मौजूद हैं,
वो क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर अगर करना चाहें तो वो वाले क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2.97, 2.98, 2.99, 2.100 और 2.101। सही ना? तो ये पांच क्वेश्चन दिए मैं आप लोगों के पास इस डेटा से रिलेटेड। अब होगा क्या होगा, ये कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो मॉडरेटली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशंस किस तरीके से निकलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मोड का फॉर्मूला दिया हुआ है। सही है? अगर हम लोग इस एम्पिरिकल रिलेशन की बात करें जो कि हम लोग के सामने लिखा हुआ है, तो इस एम्पिरिकल रिलेशन से हम लोग ड्राइव करें, हम लोग के पास क्या है, हम लोग रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं, रिलेशन देख सकते हैं। अगर हम लोगों को मीन के लिए काम करना है तो देखिए, मीन के लिए काम करना है, मीन ये लिखा हुआ, मोड को हम लोगों ने वहां भेज दिया, वहां भेजने से पहले हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 3 को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 को मीडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीडियन हो जाएगा। वहां माइनस का था मोड, इधर आके प्लस का हो गया। इधर मीन लिखा हुआ है, मीन को आप लोग इधर ही लिख रहे हैं, बाकी तमाम ये दोनों चीजों को उधर भेज दें, ये वाले मीन को इधर लेके आ जाए। देखिएगा, ये माइनस 3 मीडियन लिखा हुआ है, उधर गया प्लस 3 मीडियन हो गया, प्लस मोड लिखा हुआ है माइनस मोड हो गया, जो पहले लिखा हुआ था इधर लेके नहीं आते थे, खैर अब तो लेके आ गए। इधर क्या बच गया, इधर 3 मीन लिखा हुआ है और उधर से प्लस वाला इधर जब इधर आया तो उधर माइनस मीन हो गया। सिंपली क्यों किया है अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। 3 मीन में से एक मीन माइनस हुआ, कितने मीन बचे, 2 मीन बचे, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 मीडियन माइनस मोड डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मीन, तो मीन का रिलेशन बन गया। अब अगर बात करें किसकी, मोड की, तो ये तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई, ये लिखा हुआ मल्टीप्लाई करके, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन। मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन पॉजिटिव होना चाहिए, मीडियन को मैं उधर ले गया, बाकी तमाम चीजों को उधर ले आया। मीन 2 जगह पे था, एक इधर था और एक इधर था, मगर मीडियन तो एक ही जगह पे हम लोग के पास ब्रैकेट में फॉर्मूले में था, तो मीडियन को मारे के लिए आया तो 3 मीडियन प्लस का हो गया, पहले माइनस का था, बाकी इधर पहले से क्या लिखा हुआ था, 3 मीन लिखा हुआ था इज इक्वल टू, इधर माइनस मोड था, इधर ले क्या है प्लस मोड हो गया, प्लस मीन था, प्लस मीन था, इधर आया क्या हो गया माइनस मीन हो गया, मीन हो गया, प्लस मीन था इधर आया माइनस मीन हो गया। 3 मीन में से एक मीन माइनस हो गया, 2 मीन बचे, प्लस का मोड लिखा हुआ है, इधर मीडियन के साथ 3 लिखा हुआ है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मीडियन के लिए ये रिलेशन हो गया, मीन के लिए ये रिलेशन हो गया। मोड के लिए बात कर लेते हैं, देखिए भाई मंडा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज है, मोड नेगेटिव है, मोड उधर जाएगा, बाकी तमाम वैल्यूज उधर भेज दें, मीन उधर लिखा हुआ है, 3 मीन उधर भेजा तो माइनस का हो गया, 3 मीडियन उधर भेजा तो प्लस का हो गया, इधर माइनस का तो उधर आगे प्लस का हो गया, इधर जब इज इक्वल टू इधर आया तो मोड हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन माइनस 3 मीन माइनस 2 मीन प्लस 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड। अब हमारे पास क्या होगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखिए यही रिलेशन ड्राइव किया हुआ है इन्होंने बुक में, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हर किसी का अलग अलग रिलेशन याद करें, या तो फिर आप लोग एक रिलेशन याद रखें, ये एम्पिरिकल रिलेशन याद रखें, और जब भी कोई वैल्यू आए इसमें पुट कर दें, जो चीज अननोन होगी वो आप लोगों को पास ऐसी लिखी रहेगी और उसकी वैल्यू निकाल लें। तीनों रिलेशन आप लोग ड्राइव कर सकते हैं इस तरीके से, जो तीनों डायग्राम्स हम लोगों ने बनाई है उन तीनों डायग्राम्स को अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लीजिएगा। बुक में काम दिया हुआ आपका पेज नंबर 59 से लेके एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड की हेडिंग लगाइएगा, तीनों ग्राफ बनेंगे, तीनों रिलेशन, और कहां तक काम कॉपी करेंगे, जब जहां तक आप लोगों के पास ये रिलेशन ड्राइव हुआ है। सही है?
यहाँ तक आप लोग काम करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर वन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 16 वैल्यू दी हुई है किसकी, मोड की, और 20.2 वैल्यू दी हुई मीन की। इसी में वैल्यू पुट कीजिएगा, इसी में वैल्यू इधर उधर करके आप लोगों के पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, मीडियन की वैल्यू निकल आएगी, और मीडियन की वैल्यू 18.8 निकलेगी। सही है, तो बाकी बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का काम करेंगे और ग्रुप डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, और ग्रुप डेटा के लिए मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।